नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश एक नई शुरुआत में। दोस्तों, मैं आकाश जैन आपके लिए लेकर आ गया हूं 1956 के बाद मध्य प्रदेश के जिलों का गठन, किस प्रकार से मध्य प्रदेश के जिले बने ये आज हम जानेंगे। तो आप सभी लोगों को पुरानी वीडियो बहुत पसंद आई, दोस्तों मेरा उत्साहवर्धन किया आपके कमेंट ने, तो अब मैं आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप कॉपी पेन लेकर बैठना, जितनी चीजें मैं आपको बताऊं उतनी आप याद कर लेना, और फिर मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा तो आप कभी नहीं भूल पाओगे जिले के 1998 में कब बना, कैसे बना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जिलों का गठन। तो अब हम एक पेज ले लेते हैं नया। चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले आपको पता है कि 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। हमने पुनर्गठन वाले वीडियो में ये पढ़ लिया, 7वां संविधान संशोधन पास हो गया। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कितने जिले थे, क्वेश्चन आता है, तो आप तुरंत बता दोगे उस समय, सर 43 जिलों के साथ में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब इस समय हमने क्या बनाई, इस समय हमने राजधानी बना दी भोपाल। तो आप मुझे बताइए, क्या जब 1956 में राजधानी भोपाल बनाई तो भोपाल जिला था क्या? नहीं, भोपाल एक सीहोर की तहसील थी छोटी सी। तो सोचो, सबके दिन बदलते हैं, भोपाल का दिल बदला और समय आया 26 जनवरी। क्या आया दोस्त? 26 जनवरी 1972। तो 26 जनवरी 1972 को हमने क्या किया, एक बना दिया भोपाल। क्या बना दिया? एक जिला बना दिया हमने भोपाल। अब जाकर भोपाल एक जिला बना है, तहसील पहले बन गया था। साथ ही साथ एक और हमने बनाया जिला, राजनंदगांव, ठीक है, राजनंदगांव। अब सुनते जाना, राजनंदगांव दो बन चुके हैं। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास? अब आप देखना, कहीं कहीं आपको यहां नवंबर लिखा रहता है, तो मैं आपको बता दूं, नवंबर में हमने प्रस्ताव पारित किया था। आप देखोगे भोपाल की विकिपीडिया तो आपको पता लग जाएगा कि हमने 26 जनवरी को अपना क्या किया था, ऑफिशियली रूप से घोषित कर दिया था कि हमारा भोपाल और राजनंदगांव क्या बन चुके हैं, जिले। तो अब जिले कितने हो गए दोस्त? 43 पहले थे और दो अब हो गए। अब जिले कितने हो गए? 45। कितने हो गए? 45। अब सुनना जिलों की कहानी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मध्य प्रदेश बना, हमारे 45 जिले थे, तो अब कोई से जिले बड़े थे, तो हमने क्या किया, प्रशासन को चलाने के लिए, क्योंकि अच्छे से कहीं पर मान लो गरीबी ज्यादा है, कहीं पर दूरी ज्यादा है, तो हमने उसको क्या करा, प्रशासनिक आधार पर जिलों को बांट दिया। तो एक कमेटी बनाई गई, आपको पता है बीपी दुबे की अध्यक्षता में, कहीं कहीं बीआरबी लिखा रहता, बीपी दुबे है, तो दुबे जी की अध्यक्षता में दोस्त, अब देखना अपन एक पेज ले लेते हैं, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, 1 2 3। चलिए अब हम देखते हैं, ध्यान से सुनना, 1998 में दुबे जी की अध्यक्षता में, बीपी दुबे, ठीक है, दुबे जी की अध्यक्षता में क्या बनाया हमने, एक बनाया जिला पुनर्गठन आयोग। राज्य हमने देख लिया, फजल अली आयोग था, अब हमने कौन सा बनाया, जिला पुनर्गठन आयोग बनाया, ठीक है। तो हमने जिला पुनर्गठन आयोग बना लिया दोस्त। तो जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हमने 25 जनवरी, ध्यान से सुनना, 25 मई जनवरी बोल दिया सॉरी। अब सुनना यहां पर, ये आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है, मैं याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सुनना, यहां पर इनकी अनुशंसा पर हमने क्या किया, 25 मई 1998 को 10 नए जिले बना दिए गए। कितने? 10 नए जिले बनाए। तो पेपर में पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि 1998 में हमने दुबे जी ने जो जिला पुनर्गठन आयोग बनाया था उसकी अनुशंसा पर कितने जिले बनाए, तो दोस्त हमने जिले बना दिए 10 जिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में प्रश्न आता है कि जो 10 जिले बनाए गए, उस 10 जिले में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो ये याद रख लेना, चाहे आप सब भूल जाना, वर्तमान जिले कितने हैं दोस्त, वर्तमान में 4 हैं। अब आपसे वो नाम पूछेगा,
अब आपसे वो नाम पूछेगा कि कौन सा जिला किससे टूटकर अलग हुआ। तो चलिए अपन देखते हैं चारों के नाम। सबसे पहला, अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आपको ऊपर दिखेगा मुरैना, तो मुरैना से कौन सा बना? श्योपुर। मुरैना से क्या बना? मुरैना से याद कर लेंगे अभी अपन, या भी ट्रिक बताऊंगा, श्योपुर। ठीक है दोस्त, तो आपको यह याद रखना है, मुरैना से पालनपुर कूनू आपको पता है तो श्योपुर आ जाएगा। और फिर अगर अपन नीचे आते हैं तो आपको पता है खरगोन के पास में है, ध्यान से सुनना, खरगोन के पास में बड़वानी है, तो खरगोन से क्या बना? बड़वानी। खरगोन से क्या बना दोस्त? खरगोन से हमारा बन गया बड़वानी। खरगोन से बड़वानी। अब अगर अपन जाते हैं, ध्यान से सुनना, तो ये मंडला से आपका ढिंडोरी आ जाएगा। एक दो बार अभी अपन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, पहले आप याद कर लो। मंडला आपको पता है जबलपुर के पास में, जबलपुर संभाग के पास में आता है, अंदर आता है, तो ढिंडोरी जीवाश्म पार्क है। मंडला से क्या बन गया दोस्त? ढिंडोरी बन गया। और हमारा एक और कौन सा आएगा? जबलपुर। तो जबलपुर, जबलपुर से क्या आ जाएगा दोस्त? जबलपुर से कटनी आ जाएगा। क्या जाएगा? कटनी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनना, इसको हटा देते हैं अपन, अब मेरी पूरी कोशिश है, ध्यान से सुनना, ये एड सूट कर रहे थे तो अपन ने पहन लिया। अब चलो, अब पूरा फोकस करना दोस्त, कि अगर आपसे पूछा जाए कि दुबे साहब की अध्यक्षता में क्या बनाया गया, हमने बना दिया गया जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग की मतलब आपकी क्या आ गई? उनकी अनुशंसा आई, तो अनुशंसा पर हमने क्या करा? 25 मई डेट याद रखना, 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए, जिसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं? 4 जिले हैं। 4 जिले याद रख लेना, और 4 जिलों में से यहां से पेपर में पूछा ही जाता है, तो कौन कौन सा आ जाएगा? श्योपुर, बड़वानी, ढिंडोरी, कटनी। सर हम भूल जाएंगे, कुछ याद करने की ट्रिक बताओ, तो ध्यान से सुनना। चलो अब हमें याद करने की ट्रिक देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3। चलो अब हम देखते हैं इन चारों को याद करने की ट्रिक। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चारों के नाम, तो एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, श्योपुर, दूसरा आपका बड़वानी, तीसरा ढिंडोरी और चौथा कटनी। चलो तो अब इनको याद कर लेते हैं, फिर दोबारा अपन यहां वापस आएंगे। चलो एक मिनट रुकना बस, कहां चला गया हमारा? चलिए अब ध्यान से सुनना, अब देखते हैं, अब अपन ट्रिक देखेंगे कि भैया जो 4 हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो याद करने के लिए ध्यान से सुनना, एक आदमी है, अब इसकी ट्रिक बिल्कुल सरल है, देखो अगर चारों के आपको नाम याद है तो तुरंत याद हो जाएंगे। एक आदमी है, वो चिल्ला रहा है, ध्यान से सुनना, इसके बॉस भाग रहे हैं, इसके बॉस क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। देखो एक ये भागा, दूसरा बॉस ये भागा, तो ये क्या बोल रहा है पीछे से आदमी? इनका नाम क्या है? इनका एक का नाम है डी और एक का नाम है के। क्या नाम है इनका? एक का नाम है डी और एक का नाम है के। और ये क्या बोल रहा है? ये आदमी इनके दोनों बॉस हैं और ये भाग रहा है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी? भाग डी के बॉस, भाग भाग डी के बॉस, तो आपने गाना सुना होगा। तो चलिए इसकी ट्रिक बिल्कुल सरल है, भाग भाग डी के बॉस, डी के बॉस भाग भाग भाग, आपको पता है ना। अब मैं फिलो फिलो में गाना नहीं गा सकता, आप घर पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो भाग भाग डी के बॉस, तो आप देखो डी से आप तुरंत क्लियर कर दोगे कि भैया सर अभी अपन ने देखा था मंडला से क्या बना था, मंडला से बन गया था ढिंडोरी, तो यहां क्या जाएगा? ढिंडोरी। लो ये 1998 में दुबे साहब जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बनाए गए थे, तो ये ढिंडोरी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? जबलपुर से कटनी। और बी से क्या आ जाएगा? आपका बड़वानी आ जाएगा, खरगोन से बड़वानी। और दोस्त ये क्या आ जाएगा? आपका आपका श्योपुर आ जाएगा, मुरैना से श्योपुर, ठीक है? तो भाग भाग डी के बॉस, तो डी से ढिंडोरी, के से कटनी, बी से बड़वानी और एस से श्योपुर। तो दोस्त आप कभी नहीं भूलोगे, बस आप 2-3 बार पढ़ लेना इसको, क्योंकि हम अधिकतर याद ही नहीं रख पाते कि पहली बात तो 25 मई 1998 में 10 जिले बनाए, वर्तमान में कितने हैं? तो 4 हैं डी के बॉस, अब याद रखना, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3।
चलते हैं अब अपन अपने वहीं पर वापस। अब देखना अब जिले कितने हो गए टोटल, तो आप तुरंत बता दोगे सर अब जिलों की संख्या हो गई है 45 प्लस 10, तो कितने हो गए दोस्त 55 जिले हो गए। कितने बन गए 55 जिले। लेकिन जिलों की कहानी अभी नहीं रुकी, अब क्या हो गया और लड़ाई बढ़ गई कि भैया और जिले क्या बोलने लगे, हम भी जिले बनेंगे और जगह भी विद्रोह होने लगे। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए 10 जून को वीर सिंह देव एक कमेटी बनाई गई। तो वीर सिंह देव, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अपन एक और कमेटी पर आते हैं अब, ठीक है। वीर सिंह देव एक कमेटी बनाई, वीर सिंह देव कमेटी बनाई गई, ये लिख लेना आप ध्यान से सुनना, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। वीर सिंह देव कमेटी की सिफारिश पर, इनकी सिफारिश पर, सिफारिश थी इनकी, ठीक है, इनकी सिफारिश पर 10 जून, याद रख लेना ये तारीख याद रखना, 10 जून 1998 को 6 जिले बनाए गए। कितने जिले 98 को 6 जिले बनाए गए, 6 जिले बनाए गए। अब आपसे वो पूछेगा कि बताइए भैया इन 6 जिलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं, आप बताओ, ये पेपर में पूछेगा वो, और चौथा नाम कुछ भी दे देगा। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, वर्तमान में, वर्तमान में 3 जिले हैं। कितने जिले हैं इसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए हैं। 6 में से कितने आ जाएंगे दोस्त 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्त, वर्तमान में 3 जिले बनाए गए। अब आपको ये 3 जिलों के नाम याद रखने हैं, जैसे हमने उसमें ट्रिक देखी थी वैसे ही इसमें ट्रिक देख लेंगे। अब सुनना मेरी बात, ये 3 जिले कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर को पता होगा कि मंदसौर से नीमच बना था, मंदसौर से नीमच, अगर आपने मेरा मैप देखा है तो आप तुरंत क्लियर कर दोगे, मंदसौर से क्या बनेगा दोस्त नीमच। नाम याद कर लो, अभी मैं ट्रिक तो याद करवा दूंगा, कभी ट्रिक के चक्कर में ही भूल गए तो नाम याद कर लो पहले। मंदसौर से क्या जाएगा दोस्त आपका नीमच आ जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा होशंगाबाद, होशंगाबाद से हरदा आ गया, क्या आ गया हरदा आ गया, होशंगाबाद से दोस्त हमारा हरदा आ गया। तीसरा शहडोल से, शहडोल से उमरिया, शहडोल से क्या आ जाएगा दोस्त उमरिया। तो 3 नाम याद रखने हैं, नीमच, हरदा और उमरिया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा वीर सिंह देव कमेटी ने जो 10 जून को बनाए गए थे कितने 6 जिले, उनमें से 3 जिले वर्तमान में शामिल हैं, उनमें से कौन सा जिला नहीं है। तो अगर आपको पता है नीमच, हरदा, उमरिया, नीमच, हरदा, उमरिया, तो आप तुरंत लगा दोगे। तो दोस्त ये आपको एक दो बार याद करने हैं, चलो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। अब चलो अपन इसका क्या करते हैं, इसकी ट्रिक देख लेते हैं, बहुत ही सरल है, बस आपको नाम याद हो गए ना, नीमच, हरदा, उमरिया। अब इसकी ट्रिक, बेस्ट ट्रिक है, देखो सबसे पहले क्या है, एक नीरज, आपने नोरा फतेही का नाम सुना होगा, नीरज नाम की एक लड़की है, क्या नाम है, नीरज नाम की लड़की है। तो ये लड़का जब उसकी कमरिया देखी, उसका डांस देखा, तो ये हक्का बक्का रह गया, ओ तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, नीरज नाम की लड़की है, नोरा का नाम बचपन का आपको पता है नीरज, इसने कमरिया, अभी आपने गाने सुने होंगे तो याद करने के लिए, तो ये नीरज नाम की लड़की की कमरिया बेहद ही क्या कर रही है, दिक्कत पैदा कर रही है, तो नीरज की कमरिया हद कर रही है। तो आपको याद रखना है, सरल है, नीरज की कमरिया हद कर रही है, तो याद होगा वीर सिंह देव कमेटी के तुरंत 3 आपको याद हो जाएंगे। नीरज से क्या जाएगा दोस्त, इससे आ जाएगा नीमच, क्या आ जाएगा नीमच, और कमरिया से उमरिया, उमरिया याद कर लोगे, हद से हरदा आ जाएगा हरदा। तो ये लो, नीरज की कमरिया, नीरज नोरा का बचपन का नाम है, आप सभी को पता हो, मैंने पूछा था तो बताया था इन्होंने, ठीक है। चलो अब सुनना मेरी बात, चलिए हाँ क्लियर है,
आवाज आपको आ रही है तो नीरज की कमरिया हद कर रही है, तो ये व्यक्ति बोल रहा है ओ नीरज की कमरिया हद कर रही है, तो नीरज नीमच हो जाएगा। आपको पता है मंद स्वर से नीमच बन गया था, कमरिया उमरिया आ जाएगा, उमरिया शहडोल से बन गया था, और आपका हद से हरदा आ जाएगा। तो दोस्तों वीर सिंह देव कमेटी की सिफारिश पर 6 और बन गए, तो अब अपन चलते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा सत्यादि शर्मा के टेलीग्राम चैनल से, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब कितने होगा ये 6, तो अब टोटल जिले आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं अभी तक 45 प्लस 6, तो दोस्त कितने हो जाएंगे 61 जिले हो जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में कितने जिले आ गए, 61 जिले हो चुके हैं। अब समय आएगा 98 के बाद 2000 का, दिग्विजय सरकार है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार है मध्य प्रदेश में। अब छत्तीसगढ़ की मांग उठेगी, तो मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 2000 को, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, और अपने साथ मध्य प्रदेश के, ध्यान से सुनना, एमपी के 16 जिले ले जाता है, 16 जिले। ये पेपर में एक एक क्वेश्चन बनेगा तब आपको अहमियत पता चलेगी, 16 जिले ले जाता है, बिल्कुल सरलता से बता रहा हूं मैं आपको, सुनना, ठीक है। गर्मी का माहौल है लेकिन मैं सोच रहा हूं फिर भी आज मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग, मैंने सोचा कर देते हैं, आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है। तो एमपी के 16 जिले लेकर चला जाता है। अब आपको पता है कि भैया टोटल जिले कितने थे, टोटल 61 जिले थे, इसमें से अगर हम 16 माइनस कर देंगे तो दोबारा कितने बच जाएंगे, तो 11 5 आपको दिखेंगे 45 जिले। तो क्वेश्चन आएगा कि जब भैया, क्वेश्चन आएगा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, तो दोस्त 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे। कितने जिले, 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे, कितने लेकर चला गया 16। अब देखते हैं कि वर्तमान में 52 जिले हैं, तो कैसे 45 से 52 जिले बने, उनको याद करेंगे, इतना आपने लिख लिया होगा 1 2 3। चलिए तो अब अपन देखेंगे, अब छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में फिर हम देखेंगे कि भैया 15 अगस्त, अब आपको याद रखना है, बिल्कुल सरल है, 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को हमने क्या बना दिए गए, 3 नए जिले बना दिए गए। कितने जिले, 3 नए जिले, बिल्कुल सरल है, अगर आप याद कर लोगे सुबह उठकर 2-3 बार, 3 जिले बनाए गए, बनाए। अब कौन कौन से वो 3 जिले आ जाएंगे, आपको नाम याद रखना है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले गुना से, गुना से क्या बना दिया गया, अशोकनगर, क्या बना दिया गया, अशोकनगर, ठीक है। दूसरा आपको पता है शहडोल से, शहडोल से अनूपपुर बना दिया गया, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा बिल्कुल सरल है, खंडवा से बुरहानपुर, खंडवा से, ठीक है, शहडोल से हो गया, खंडवा से बुरहानपुर, ठीक है, बिल्कुल सरल है। आपको एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि भैया 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए, गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर और खंडवा से बुरहानपुर। तो इनको याद रखने की बिल्कुल सरल ट्रिक है, अशोक बोल रहा है, चलो मैं आपको बता देता हूं इसकी ट्रिक पर आ जाते हैं अपन, ठीक है। चलो वैसे तो आप देखो एक दो बार पढ़ोगे तो आप तुरंत ही इसकी ट्रिक बना लोगे। तो देखना, एक लड़का है, ये एक लड़का है, मतलब बड़ा भाई है, इस छोटे लड़के को समझा रहा है, अपने भाई को समझा रहा है, क्या समझा रहा है कि भैया अनूप, इसका नाम क्या है, अनूप, और इसका दोस्त है अशोक, इसका दोस्त है अशोक, जो क्या करता है, इसको गलत सलाह देता है बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की। तो ये समझा रहा है इसको कि भैया अनूप अशोक बुरा लड़का है, क्या बोल रहा है, अनूप अशोक बुरा लड़का है, लेकिन ये कहां समझ रहा है, गुस्से में है, मुझे कोई मतलब नहीं है, होने दो। देखो अब ट्रिक हमारे काम की आ गई। अब लोग यहां पर अपन देखेंगे कि 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए गए, एक आ जाएगा अनूपपुर, अनूपपुर आपको पता है, ठीक है, शहडोल से अनूपपुर आ जाएगा, गुना से अशोकनगर आ जाएगा,
अशोक नगर आ जाएगा गुना से। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। देखो बनाई गई है ट्रिक, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कहीं आपको मिल जाए। वो याद रखने के लिए आप ट्रिक ट्रिक बोलते हो ना, तो पेपर में आप भूलो ना। तो ध्यान से सुनना, बुर से बुरहानपुर, खंडवा से बुरहानपुर। चलो इतना क्लियर हो गया ना आपको कि भैया अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर, ये तीन बना दिए अभी तक अपन ने, बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2, 3। अब हम देखने वाले हैं अभी तक कितने जिले हो चुके हैं हमारे। अभी तक हमने देख लिए कि भैया 45 बचे थे और 45 में अगर हम तीन जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे, 48 जिले हो गए। अभी तक कितने जिले हो गए दोस्त, 48 जिले बन चुके हैं। अब समय आता है, ध्यान से सुनना, तीन, तीन के बाद में आठ, याद रखना 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18। तो अब तीन के बाद में आठ आता है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो आठ में आप याद रखना सबसे पहले 17 मई 2008, और आपको याद रखना है 24 मई, वहां 25 मई था, यहां 24 मई 2008। तो ये और ये याद रखना है आपको। ये देखो, ये पश्चिमी जिला बन जाएगा झाबुआ से अलीराजपुर, झाबुआ से क्या बन जाएगा दोस्त, अलीराजपुर, झाबुआ से अलीराजपुर बन जाएगा। और आपका ये पूर्वी जिला सीधी से, सीधी से क्या बन जाएगा, सिंगरौली। सारे 82 डिग्री एकमात्र रेखा कहां से निकलती है, मानक समय रेखा हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली से निकलती है, और सबसे मोटी कोयले की खदान भी यहीं पर है। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब जिले कितने हो गए, 48 और 2, 50 जिले हो गए टोटल। अभी तक हम 48 देख चुके हैं और 2 कितने हो गए टोटल, 50 जिले हो चुके हैं। लेकिन वर्तमान में तो सर 52 जिले हैं, अब 2 जिलों का और क्या करोगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया 3, 8, अब आएंगे अपन 3, 8 के बाद, 3 के आगे 1 लगा दो तो 13, तो 13 आएंगे। चल दो स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2, 3। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। बार बार जितनी ट्रिक हो सकती है मैं बताऊंगा, ज्यादा ट्रिक में भी नहीं उलझाऊंगा। अब सुनना, अब 18, अब अपन देखेंगे 18, तो कितना 18, 16 अगस्त, पहले कितना था 15 अगस्त 2003 था, 16 अगस्त 2013 को क्या हो गया, एक जिला बनाया किससे, साजापुर से, साजापुर से दोस्त। साजापुर किस संभाग में आता है, तो आपको पता होगा उज्जैन संभाग में। साजापुर से हमने बना दिया आगर मालवा, आगर मालवा। तो ये आपको याद रखना है, चाहे आप कुछ भी भूल जाओ, कि 16 अगस्त 2013 को हमने साजापुर से आगर मालवा बना दिया। अब नया आपको 52वां तो याद ही होगा। अब टोटल कितने जिले हो गए, 50 + 1 = 51 जिला, लेकिन आपको पता है 52वां जिला। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2, 3, 52वां जिला। अब आप क्या करोगे, 18, 8 से कर दो 18, तो 1 अक्टूबर क्या आ जाएगा, 1 अक्टूबर, ठीक है, 2018 को टीकमगढ़ से क्या बन चुका था, टीकमगढ़ से दोस्त बना दिया गया था हमने निवाड़ी, टीकमगढ़ से निवाड़ी बना दिया गया। ये आपका आ गया 52वां जिला, ठीक है। बाकी जो प्रस्तावित है उनसे मतलब नहीं है, ये हमारे 52 के 52 जिले हो गए। उम्मीद है आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, कमेंट अच्छे आते हैं, तो फिर मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा नेशनल पार्क पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, वैसे तो 3 दिन की छुट्टी थी, लेकिन मैंने आज आकर थोड़ा कहीं जाना था, लेकिन मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर दी जाए आपके लिए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अच्छे से पढ़ते रहिए।